हेलो दोस्तों, मैं रुद्रा यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आज राज्यपाल ने खुद आरपीएससी सदस्यों से बोला है कि भर्ती प्रक्रियाओं को तय समय में पूरा करें, युवाओं को पहुंचाए राहत। क्योंकि जैसा कि आपको बताया, 11 अक्टूबर को जो बेरोजगार युवा सम्मेलन हुआ है, उससे मतलब सरकार खुद मतलब जागरूक हो चुकी है, क्योंकि उन्हें पता है बेरोजगारों का गुस्सा बहुत हावी है। और जैसा कि आपको बताया, निकाय चुनाव भी आने वाले, इसलिए राज्यपाल ने खुद आरपीएससी सदस्यों से बोला है भर्ती परीक्षाओं को तय समय में पूरा करें, चाहे वो राजस्थान अधीन सेवा बोर्ड की हो, अपने आरएसएम मैसेज भी एलडीसी का रिजल्ट हो, या फिर कांस्टेबल भर्ती हो, पटवारी भर्ती हो, उसके अलावा लेक्चरर भर्ती का एग्जाम डेट हो, या फिर खुद आरपीएससी की सारी भर्ती प्रक्रियाओं हो, उसके बारे में राज्यपाल ने कहा इन भर्ती प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा करवाए, जिनके परिणाम अटके हैं उनके परिणामों को जारी करवाए। ऐसा राज्यपाल ने कल आरपीएससी सदस्यों से कहा है। और इस वीडियो में बात करेंगे लेक्चर भर्ती के बारे में बात करेंगे, जो कि मतलब इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा जल्द से जल्द करवाए। उसके अलावा आरएसएमएसएस भी एलडीसी का जो कल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, वो आज दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुआ था, उसको भी बताएंगे। उसके अलावा एमबीसी रिजर्वेशन के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो हम चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या कहा है राज्यपाल ने। यह आप देख सकते हैं पेज नंबर 4 पर आया है। आरपीएससी सदस्यों से बोले राज्यपाल, भर्ती प्रक्रियाओं को तय समय में पूरा करें, युवाओं को पहुंचाए राहत। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों से कहा कि आयोग की भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध पूरा करना चाहिए, ताकि युवाओं को राहत मिल सके। भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता इस प्रकार होनी चाहिए कि उसमें किसी प्रकार की अदालती विवाद की गुंजाइश से ना हो। राज्यपाल मिश्र ने सोमवार को यहाँ राज्य भवन में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य शिव सिंह राठौड़, राजकुमारी गुज्जर और रामू राम रायका ने मुलाकात की। राज्यपाल मिश्र ने कहा कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा की भर्ती प्रक्रिया की समयबद्धता को सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भर्ती का विज्ञापन जारी करने से अंतिम परिणाम निकलने तक प्रक्रिया को तय समय में ही पूरा किया जाना आवश्यक है। राज्यपाल उदयपुर जाएंगे, चलो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। भर्तियों में एमबीसी को मिलने लगा लाभ, अब तक 1130 का हुआ चयन। चयन बोर्ड की ओर से एमबीसी आरक्षण लागू करने के बाद आया बदलाव। राज्य सरकार ने इस वर्ष के शुरू में अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी को दिए गए 4% अतिरिक्त आरक्षण का लाभ अति पिछड़ा वर्ग को शामिल समाजों के अभ्यर्थियों को मिलना प्रारंभ हो चुका है। सरकार के निर्देश पर सामाजिक, शैक्षिक और रोजगार के क्षेत्र में इस निर्णय के साथ तेजी से किए गए क्रियान्वयन स्वरूप अब तक अलग अलग भर्तियों में इस वर्ग के 1137 अभ्यर्थियों का चयन हो गया है। उसके अलावा दोस्तों, आप खुद देख लो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कल नोटिफिकेशन जारी हुआ था, वो आज पेज नंबर 6 पर भी आ चुका है। तो दोस्तों, इन जिन विद्यार्थियों का मतलब इसमें टाइपिंग के लिए जिनको बुलाया गया है, दोस्तों आपके लिए सुनहरा अवसर है, आराम से टाइपिंग करना। और इफिशियंसी की बात है तो आपकी वही वाली इफिशियंसी आने वाली है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और रिजल्ट भी आपकी टाइपिंग के बाद जल्द से जल्द मतलब दिवाली के टाइम ही जारी हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।